आप सभी को जय माता दी। साथियों साथियों, अभी वर्तमान में गुजरात सरकार द्वारा हमारे बड़े दादा राज शेखावत को गिरफ्तार किया गया, और समाज सेवा करने वाले व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कोई भी सरकार करेगी तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश टीम जीवन सिंह शेरपुर सदैव विरोध में रहेगी। राज शेखावत ने एक महिला के लिए जो आंदोलन किया था, और उस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए आज गुजरात सरकार के नुमाइंदों ने और गुजरात का जो एसपी है, उसने एसपी ने राज शेखावत दादा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके ऐसी हालत कर दी जिसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है इस प्रकार से। तो ये तानाशाही रवैया अपनाना, सरकारें बंद कर दें। और गुजरात सरकार को चेतावनी देता हूँ मैं, करणी सेना प्रदेश का प्रवक्ता मध्य प्रदेश का टीम जीवन सिंह शेरपुर अगर गुजरात में आ गई है तो तुम्हारे जगह नहीं बचेगी गुजरात के अंदर। मध्य प्रदेश के सारे शहरों को लेकर टीम जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में सब शहर गुजरात आ रहे हैं। और सुन लेना, गुजरात प्रशासन, गुजरात की सरकार, गुजरात के एसपी और जो भी व्यक्ति हो जो इस प्रकार से समाज के लिए काम करने वाले और बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार करने वाले और निर्दोषों को फंसाने वाले लोग, सुन लेना, तुम लोगों को छठी का दूध याद दिला देंगे अगर इस प्रकार से तुमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम किया। जो व्यक्ति बेगुनाह समाज के जो लोग थे, समाज के हक और अधिकार की बात करने वालों को गिरफ्तार करने का काम कर रहे हो, क्या तुम गुजरात की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अरे मैं कहता हूं कि अंग्रेजों की सरकार है। अरे ये हिटलर का रवैया अपनाना बंद करो, वरना अगर मध्य प्रदेश की टीम जीवन सिंह शेरपुर की टीम तुम्हारी गुजरात में आ गई तो तुम्हें संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। और मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश के सभी शहरों से, तैयार रहिए। अरे गुजरात सरकार और गुजरात प्रशासन, राज शेखावत को आज चार दीवारियों में बंद किया है। अगर गुजरात प्रशासन और गुजरात की सरकार अगर नहीं सोचती है, नहीं राज शेखावत को रिहा करती है, तो फिर मध्य प्रदेश से पंगा लेने के लिए तैयार रहे हो। और जीवन सिंह शेरपुर को अगर गुजरात सरकार नहीं जानती है, उसकी टीम को गुजरात सरकार नहीं जानती है, तो एक बार फोन लगाकर शिवराज सिंह चौहान को पूछ लेना कि मध्य प्रदेश में करणी सेना क्या है। तो करणी सेना के मेरे साथियों, तैयार रहो और राज शेखावत के सम्मान में, राज शेखावत के साथ मध्य प्रदेश में टीम जीवन सिंह शेरपुर सदैव हाजिर है। और बहुत जल्द गुजरात में महाबवंडर की तैयारी है। जय माता दी, जय हिंद साथियों। सरकार और प्रशासन गुजरात, सतर्क रहे, मेरी वार्निंग है आपको। और गिरफ्तार करना तो मुझे कर लेना, शैलन सिंह राठौड़, प्रदेश प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय करणी सेना। जय माता दी साथ। जय माता दी। हाल ही में घटना घटी है गुजरात में, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह शेखावत को गुजरात प्रशासन और वहाँ की सरकार ने मनमानी करते हुए अभी गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है, साथ ही सरकार और प्रशासन को यह आगाह करती है कि वह शीघ्र उनको रिहा करे, अन्यथा मध्य प्रदेश टीम भी पूरी ताकत के साथ गुजरात आने को तैयार है। हम हर परिस्थिति में राज सिंह शेखावत के साथ है, हर करणी सैनिक उनके साथ खड़ा है। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी महिला के समर्थन में खड़े होना न्याय दिया था, ये अपराध नहीं है। प्रशासन की जाति सरकार समय सभी से आग्रह है कि श्री राज सिंह शेखावत का समर्थन करें, तो गुजरात सरकार ने जल्द से जल्द रिहा करें। जय माता दी।